बढ़िया बात है जी, हमारा जो कि माहौल है बहुत बढ़िया होगा और जो भी है ये करेंगे अच्छा ही करेंगे। क्या जानना चाह रहे हैं आखिर आम लोगों के बीच में है, क्या जानना चाह रहे हैं इनसे? आम लोगों के बीच में आकर हम इन लोग से पूछ रहे हैं, जो पहले ये लोग जैसे इन्होंने सोडा का फाउंटेन का पहले कर रखा था बिजनेस, अभी ये चला रहे हैं, तो उनसे जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस की स्थिति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में चुनाव जो है वो समय पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि जो चुनाव आयोग कहेगा ठीक वैसा ही होगा। हम इस वक्त कुम्हरार में हैं और कुम्हरार में भी काफ़ी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है राजीव मेहता, जो यूथ है वो भी मैदान में उतर चुके हैं और इस वक्त हम कुम्हरार में खड़े हैं और राजीव मेहता को आपको दिखाएंगे किस तरीके से आम लोगों के बीच जा कर के उनकी समस्याओं को जो है वो सुन रहे हैं। चुनाव सही समय पर होंगे ये बात साफ हो चुकी है और प्रत्याशी जो है वो भी अपना दम दिखाने में जुट गए हैं, चाहे राजद के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी हो, उन तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। और आप देखिए तस्वीर में राजीव मेहता जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुम्हरार से, वो आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में उनका बिजनेस जो है वो डाउन हुआ और जो है उनकी समस्याएँ क्या है। कुम्हरार जो बदल जाना चाहिए था उन चीज़ों को लेकर भी बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों से, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हम एक बार राजीव मेहता जी से बात करते हैं। मेहता जी, आप सड़कों पर हैं रात के समय भी, तो क्या जानना चाह रहे हैं आखिर आम लोगों के बीच में है, क्या जानना चाह रहे हैं इनसे? आम लोगों के बीच में आकर हम इन लोग से पूछ रहे हैं, जो पहले ये लोग जैसे इन्होंने सोडा का फाउंटेन का पहले कर रखा था बिजनेस, अभी ये चला रहे हैं, तो उनसे जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस की स्थिति क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, जो पूंजी लगा रहे हैं उसका खर्च भी वापस नहीं आ रहा। तो रीज़न क्या है कि ये जो एरिया है ये सारा स्टूडेंट बौमल क्षेत्र है, यहाँ पे वॉल्यूम में स्टूडेंट रहता है, यहाँ का मैक्सिमम लोग स्टूडेंट पे डिपेंड है। आज यहाँ पे ये स्थिति आ गया है कि जिनका आप समझिए कि सेल 5000 का डेली का था, आज वो सीधा 800 पे और 500 पे आ गए। अच्छा, ये बताइए राजीव मेहता आप लोग से आकर के मिल रहे हैं, राजीव मेहता चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आप इससे जो पहले विधायक थे हमारे यहाँ से जो 15 साल रहे, उनसे कुछ बदलता हुआ कुम्हरार देखा या फिर अब नए लोग से उम्मीद है? नए लोग से बहुत उम्मीद है। अगर कोई युवा आता है तो बहुत बढ़िया बात है जी, हमारा जो कि माहौल है बहुत बढ़िया होगा और जो भी है ये करेंगे अच्छा ही करेंगे। लगता है कि कुछ आप लोगों की तकदीर बदली, क्योंकि अगर विधायक बनते हैं, क्योंकि 15 साल बहुत ही ऐसे भी बहुत हेल्प करते हैं ये लोग, हेल्प करते हैं बहुत करते हैं। आप लोग से लगातार मिलते रहते हैं जो आपके यहाँ के कैंडिडेट है वो मिलते हैं? हाँ, एकदम उम्मीद लगता है कि अगर जीत करके आते हैं तो कुछ बदलेगा। हाँ, हम तो उम्मीद रखते हैं कि पूरा 16 ना हम उम्मीद रखते हैं। अभी जो वर्तमान में जो विधायक है बीजेपी के विधायक है, तो क्या बदला बदलते देखा कुम्हरार को? तो हम चाहते हैं कि हमको अपना सब कुछ बढ़िया से चले, अथी करें, युवाओं पे भरोसा है जो कि कैंडिडेट हम सब पूरा करते हैं आप लोग की बात। तो आपने सुना कि जो आम लोग हैं वहाँ पर वो भी बता रहे हैं कि जो यूथ अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, राजीव मेहता जैसे अगर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उनको उम्मीद है कि इनको बदलेंगे, कुम्हरार को बदलेंगे। ठीक, लगातार जो है राजीव मेहता कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटा दुकानदार हो या फिर बड़ा दुकानदार हो या फिर घर वाले, उन तमाम लोगों से जा कर के मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और साफ तौर पर जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं कि उम्मीद है हमें कि अगर यूथ अगर आता है पॉलिटिक्स में तो यूथ का साथ देंगे। और अभी आप देखिए फिर से एक दुकान पर हैं और उनकी समस्याओं को जाना जा रहा है। हम इनसे सीधे बात करते हैं जो वर्तमान विधायक है बीजेपी के, इतने दिनों से विधायक रहे, बदला है कुम्हरार? एकदम नहीं बदला। अब क्या देखते हैं जब यूथ आता है पॉलिटिक्स में तो क्या सोचते हैं? कुछ हमारे लिए जो जरूर नया सोचेंगे, नया उत्साह से भरे हैं ये यंगस्टर हुए ये, इसलिए हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। उम्मीद है, एकदम उम्मीद है। लोग कहते हैं कि एक बार बहुत बड़ा है, ठीक नहीं, इन्होंने सपना बहुत बड़ा देखा है और उस सपने वही देखते हैं जो साकार करते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ये कि अगर कोई विधायक बन जाता है तो फिर पूछता भी नहीं है, तो ऐसा ही लगता है क्या? नहीं, ऐसा विधायक बनने के बाद लोग नहीं पूछेंगे? नहीं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं ऐसा कभी नहीं करते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो मेहता जी ये बताइए, उम्मीदें हो गई आपसे, अब जनता से आप सीधे कनेक्ट हो रहे हैं तो लोगों को उम्मीद है,
उम्मीद पे खड़े उतरेंगे या फिर आम विधायक जैसे होते हैं रईस की तरह गायब हो जाएंगे? जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आपको, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। पॉलिटिक्स है हमारा कोई अच्छा खासा बिजनेस है, हर कुछ है, सेटअप है, लेकिन ये कुम्हरार की जनता 30 साल से जो गुलामी की ओर जा रही है, इसको बहुत ज़रूरी है बदलना। क्योंकि लोगों को भी समझना ज़रूरी है कि वो अपना जो कीमती वोट, जो मतलब सिर्फ माइंडसेट लेकर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि चुनाव का क्या एजेंडा है, क्या डेवलपमेंट का रोल है, डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, बस एक पार्टी विशेष में रहकर जनता जो है सीमित रह गई है, जिसके कारण से ये जनता बहुत त्रस्त है। और लॉकडाउन में जैसे कि मैंने इनसे पूछा, पहले इनका सेल 10,000 डेली का था और अभी वो सीधा 700-800 पे इनका आया हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो क्राउड हैं और जो लोग हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं आपको लॉ से रिलेटेड। जब तक स्टूडेंट कॉलेज कोचिंग नहीं खुलेगा, यहाँ का 90% लोग का बिजनेस जो है वो बर्बाद हो जाएगा। बिजनेस रोजगार, अगर रोजगार नहीं होगा तो लोगों को मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस होगा, मेंटली प्रेशर होंगे। आज तो हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग आर्थिक तंगी से जूझें। धन्यवाद राजीव मेहता से, वो कुम्हरार में आम लोगों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। फिलहाल और भी कुम्हरार में जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और राजीव मेहता से लोगों को उम्मीद है ये भी बात साफ हो चुकी है। बहरहाल कुम्हरार में क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी।